सांप के डसने से 6 बच्चों के सिर से उठा मां का साया। नमस्कार, मैं हूं राहुल। पंजाब केसरी में आप सभी का स्वागत है। दरअसल झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र के गंगपुर तुमड़िया खेड़ी गांव में खेत में काम करने के दौरान एक महिला की सांप के डसने से मौत हो गई। पुलिस ने जिला अस्पताल में परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। बकानी थाना के हेड कांस्टेबल ब्रजेश सिंह ने बताया कि महिला कौशल्याबाई दोपहर बाद अपने खेत पर ज्वार की फसल काट रही थी और काटने के बाद वो उसे इकट्ठा करने का काम कर रही थी। इसी बीच सांप ने कौशल्याबाई की हाथ की उंगली पर डस लिया। इस पर कौशल्या के चिल्लाने पर पास ही में काम कर रहे उनके पति आए और वे कौशल्या को अचेत अवस्था में झालावाड़ लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों से रिपोर्ट लेने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर शव परिजनों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि महिला के 6 बच्चे हैं, इनमें 4 लड़की और 2 लड़के हैं। सबसे छोटा लड़का 1 साल का है। परिजनों का अस्पताल में रो रो कर बुरा हाल था। वहीं साथ आए परिजनों ने बताया कि ऐसे में मां का साया उठने से अब बच्चों को पालने की जिम्मेदारी पूरी तरह से पिता पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। दिन के करीब 2:30 बजे के लगभग अपने जेठ और पति के साथ में खेत में ज्वार की कड़प जो कटी हुई थी उसको उठाने के लिए गए हुए थे। कौशल्या भाई भी साथ में ही काम कर रही थी। एकाएक जहरीले कीड़ा सर्प ने कौशल्या भाई के हाथ की उंगली में काट लिया, जिससे वो चिल्लाई। इस पर उसके पति और जेठ दौड़कर आए, जिन्होंने हाथ बांध के उसको जरे वाहन एसआर के झालावाड़ में भर्ती कराया, जहां दौरान इलाज कौशल्या भाई ने दम तोड़ दिया।